Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार, आप लोगों की बेहद फरमाइश पर हलीम जो है बन रहा है। और हमने आपको जो खिचड़ा होता है वो हमने आपको बनाना सिखाया बीफ में, तो आज हमने सोचा कि हलीम जो है वो आपको चिकन में भी बनाना सिखा देते हैं, ताकि आप अपने घर पर तैयार कर सकें। और कल और परसों जो है आप लोगों ने घर पर ज़रूर बनाना होगा। और उसके लिए जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से बनाया जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखें और हलीम जल्दी ख़राब हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ जो मुहर्रमों में शरबत बनता है वो भी इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे। दो रेसिपीज़ हैं हमारी और हमने सोचा कि डिटेल में आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि आप अपने घर पर आराम से इसके तैयार कर सकें। 5 बजे से 6:30 बजे तक पूरे प्रोग्राम को देखिएगा, ताकि बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप अच्छी तरह से इसको नोट कर सकें। इसके अलावा आज हम जो है ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, और जैतून और जैतून के तेल के बारे में बेहद आपने चीज़ें सुनी होंगी, और कुरान में भी इसका जिक्र है और कितना फ़ायदेमंद है। जिस चीज़ का कुरान में जिक्र होगा तो समझ लें कि वो तो फिर फ़ायदेमंद ही होगा, उसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती है। जैतून बेतहाशा फ़ायदेमंद है, ये वाहिद ऑयल है जैतून का तेल, जिसको कहते हैं दुनिया का जो कोलेस्ट्रॉल को जिस्म के अंदर से काटता है बनाने के बजाय। दूसरे ऑयल जो है कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, और ये जो है जिस्म के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। और इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, इसको बचपन से मसाज के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, बड़े या बच्चे कोई भी हो जो मसाज करना चाहते हैं उसके लिए आप इसको और ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि आपने एक एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल, जो ऑलिव ऑयल है उसकी बॉटल लेनी है, और उसको एक जार में डालें। जार में डालने के बाद उसके अंदर जो है फ़र्ज़ करें कि एक पाव आपके पास एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, तो उसके अंदर आपने 100 ग्राम जो है लौंग और 100 ग्राम आपने दालचीनी ऐसे ही डाल देना है। इसलिए कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को पकाया नहीं जाता, पकाने से उसकी अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को इसी तरह से कच्चे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को उसके अंदर जो है 100 ग्राम आपने जो है लौंग और 100 ग्राम दालचीनी डालकर बंद करके छोड़ दें। 4-5 दिन इसको पड़े रहने दें, उसके असरात जो हैं ऑयल के अंदर आ जाएंगे। किसी भी किस्म का जिस्म में दर्द हो, वैसे ही आपको थकान हो रही हो, या बच्चों को चुस्ती के लिए जो आजकल बहुत कम होता जा रहा है हमारे यहाँ से मसाज करना, वरना एक ज़माने में बच्चा खूब अच्छी तरह से उसका मसाज हुआ करता था, इसीलिए बच्चे जो है तंदुरुस्त तो तवाना होते थे और बुढ़ापे तक उनके जिस्म में दर्द नहीं होता है। इसलिए कि बचपन से अगर आप सही तरीके से ट्रीट करते हैं बच्चों को तो वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और उसको अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये 3 चीज़ों का बेहतरीन इलाज है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको नोट डाउन कर लें और अपने पास लिख कर रख लें, और इसको जो है ना आपने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो 3 प्रॉब्लम है, मेजर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, उससे आप जो है बच सकते हैं। हमारे पास कॉलर हैं आशी फ्रॉम लाहौर। सलाम अलैकुम आशी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी आशी, क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे भी आपके ना कोलेस्ट्रॉल के बारे में जी पता करना है। ठीक है, बिल्कुल बता देता हूँ आपको जी। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आशी। हाँ जी, आप जी। खाने बहुत अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, आज भी बहुत जबरदस्त हलीम बन रही है घर पे, झटपट आप तैयार कर सकती हैं चिकन हलीम। हाँ, और इसके साथ बहुत ही जबरदस्त शरबत तैयार होने जा रहा है, तो जरूर देखिएगा आज का प्रोग्राम। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने अभी जैसे स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम, तो जरूर आप इसको देखिएगा, अभी मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन और भी देने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, वेलकम जी। नाज़रीन, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बेसिकली इसको हम कहते हैं फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ऑलिव, यानी कि ऑलिव का जो पहला ड्रॉप होता है उससे जो है बनाया जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और इसके बाद जो ऑलिव ऑयल होता है जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं वो उसके बाद निकाला जाता है, जिसको हम पकाते भी हैं, खाने भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 2 चम्मच, खाने के 2 चम्मच, ठीक है, ये आपने एक प्याले में लिया, और उसके बाद इसके अंदर आधा लेमन, ठीक है, ये आधा लेमन आपने इसके अंदर अच्छी तरह से निचोड़ लिया, ठीक है, और इसके अंदर आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी, ठीक है, ये आपने डाला, और इसे आपने
तैयार कर लिया। ये समझ लें दो टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आधा लेमन और तकरीबन दो टेबल स्पून गर्म पानी या नीम गर्म पानी आपने डाला और सुबह नहार मुंह आपने इसको लेना है। जिन लोगों के पित्ते में पथरी होती है उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, पित्ते में पथरी के लिए बेस्ट चीज़ है। इसके साथ कोलेस्ट्रॉल हो किसी के जिस्म में उसके लिए बेस्ट है और बैड एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए ये जो है, इसलिए कि गुड कोलेस्ट्रॉल अगर आपके जिस्म से कम हो जाता है तो फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, उसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अरब में ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल इंसान भी हो वो भी खून के जो दौरानियाँ होता है हमारे जिस्म में जो खून सर्कल करता है पूरे जिस्म के अंदर, उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है। इसके अलावा जो काम की बात है वो, और जो शुगर पेशेंट है वो अपने शुगर को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो बेस्ट चीज़ है ये। ये तीन चार चीज़ों के लिए बेस्ट है और इसके साथ साथ आपकी जो हार्ट की वेंस होती हैं इसके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। इसलिए कि आज दिन जो है वो है हार्ट के बारे में और इंशाल्लाह आगे भी हम आपको हार्ट के बारे में बहुत ज़बरदस्त एक टिप देने वाले हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके काम आएगी। लेकिन ये भी आपको हार्ट की सर्कुलेशन जो है, वेंस है, उसको बेहतर बनाता है। तो ज़रूर अपना ख्याल रखें, खाने पीने में मियाना रवि इख्तियार रखें और इसलिए कि इसमें जो अनबैलेंस फूड हम खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ही कम उम्र में हार्ट अटैक वगैरह हो रहा है और उसकी वजूहत ये है कि ज़्यादातर मजबूरी है। बेचारे वो लोग जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं वो बेचारे बाहर से ही खाना खाते हैं तो उसमें नाकिस तेल जो है ना वो इस्तेमाल होता है और तेल अगर अच्छा ना हो तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होती हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो जन्म लेती हैं। तो बाहर के खाने से अवॉइड करें लेकिन मजबूरी है, बहुत सारे लोग बाहर ही काम करते हैं उनको मजबूरन बाहर का खाना खाना होता है और इस तरह से जो है बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा जवान हैं, बूढ़े हैं, दरमियानी एज के हैं, टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। अचानक आपको जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर हो गया है, पता ही नहीं है। टेस्ट के दौरान बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने बाद में बताया कि वो जाकर डॉक्टर से उन्होंने चेकअप करवाया, ऐसे ही ऑफिस की तरफ से कोई फ्री कैंप लगा था वहाँ जाके उन्होंने चेकअप करवाया, उनको पता चला कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो ये हार्ट अटैक का बायस बन जाता है और इसके साथ बाद में पता चला कि शुगर हुई हुई है और वो खाए जा रहे हैं मज़े से, जिसम में दर्द हो रहा है और उन्होंने इतने टेक केयर नहीं की, पता चला कि बाद में जाकर बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो गया। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आप अपनी ख्याल रखेंगे, चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, प्लीज़ इसको जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपके बेहद बेहद बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपके काम आता है। तो इसके साथ साथ इसको जो है अगर आप सैलड वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स्ट्रा वर्जिन को, तो कभी भी इसको जो है ना पका करना इस्तेमाल करें। पकाने के बाद एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की तासीर ख़त्म हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए जब हम सैलड बनाते हैं या अरबी खाने, आपने देखा होगा हमस बनता है उसके ऊपर से जैतून का तेल डाला जाता है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं आपने लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखनी है और इस तरह का सैलड जो है ना वो बेतहाशा आपको फ़ायदा पहुंचाता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको करेंगे। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर हैं बलूचिस्तान से, मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? मंजूर अहमद बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान से। जी मंजर, मंजर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुना ठीक है सर? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी मंजर सर, मैं एक ड्राइवर हूँ सर, तो अक्सर थकावट होती है जिस्म में, घुटनों में, जी जी। तो ऐसे कोई तरतीब बताए या ऐसी कोई हल बताए, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। ठीक है, बहुत आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी बलूचिस्तान में सर आपके पास खजूर होते हैं ना बहुत सारे? जी जी खजूर होते हैं सर, बिल्कुल। एक गिलास दूध, तीन खजूर और दो केले, ठीक है, इसका रोजाना शेक बनाकर सुबह नहार मुले इंशाल्लाह। अच्छा, ये यानी एक गिलास दूध हो, एक गिलास दूध, तीन खजूर और दो केले। दो केले जी, ये सुबह नहार मुंह आप लेकर आधे घंटे तक खाना मत खाइएगा, उसके बाद आप नाश्ता करें, जो भी करना करें, इंशाल्लाह आपको एक आध दिन में खुद ही फर्क महसूस होगा। और इसको मुस्तकिल जारी रखें, 15-20 दिन इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, आप खुद बोलेंगे कि हाँ यार काफी एनर्जी आ गई है मेरे अंदर। ठीक है जी जी, क्योंकि घुटनों में वगैरह में बहुत सर दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें खून का दौरानिया भी सही हो जाएगा और एनर्जी भी आपके अंदर जो कमी है ना, वो कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है, बहुत सारी और चीजें हो जाती हैं और उससे जो है इंशाल्लाह आप जो है आजाद हो जाएंगे। अल्लाह आपको सलामत, अल्लाह आपको जिंदगी दे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए
चिकन की हलीम, और चिकन हलीम बनाने के लिए हमारे पास इस वक्त दालें हैं, चिकन हैं, मसाले हैं, और इसके अलावा इसकी तरतीब है और कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, कहीं जाना नहीं है, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के साथ। चिकन हलीम अज्जा, चिकन बगैर हड्डी के 1 किलो, चावल 50 ग्राम, मूंग की दाल 50 ग्राम, मसूर की दाल 50 ग्राम, माश की दाल 50 ग्राम, चने की दाल 50 ग्राम, गेहूँ 150 ग्राम, जौ 50 ग्राम, प्याज 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, चीनी 2 खाने के चमचे, सफेद जीरा पाउडर भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गठी, पुदीना आधी गठी, केवड़ा एसेंस हस्बे जरूरत, लीमो हस्बे जरूरत, अदरक बारीक कटी हुई हस्बे जरूरत, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, तेल 1 कप, नमक हस्बे जायका, प्याज ब्राउन और चाट मसाला सजावट के लिए। तरकीब, तमाम दालों को रात भर भिगो लें, गंदम जौ और चने की दाल को बॉईल कर लें, चिकन के छोटे पीस कर लें। कोरमा बनाने का तरीका, एक पतीली में ऑयल डालें, फिर इसमें प्याज डालें और हल्का ब्राउन कर लें। अब इसमें चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करें, फिर इसमें गरम मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, जायफल जावित्री पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, साबुत हरी मिर्चें शामिल करें। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करें और भून लें। कोरमा तैयार है। दालों को तैयार करने का तरीका, एक पतीली में पानी डालें और इसमें तमाम दालें और चावल को डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, ढक्कन ढांपकर गलने तक पकाएं। मिक्सिंग का तरीका, एक चॉपर में दालों का मिक्सचर और कोरमा डालें और चॉप कर लें, फिर इसे एक बड़ी पतीली में डाल दें और पानी शामिल करें और चमचा चलाते रहें। अब एक सर्विंग बोल में हलीम निकाल लें, ब्राउन किया हुआ प्याज, अदरक बारीक कटी हुई, हरा धनिया, पुदीना, चाट मसाला, लीमू से सजावट करें और पेश करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है चिकन हलीम हम तैयार करने जा रहे हैं। हलीम बनाने से पहले जो है उसके साथ जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि गंदम, जौ और चने जो है ना, इस चने का चने की दाल जो होती है इसको अलग बनाएं। तमाम दालों को वॉश करके धोकर रात को भिगो दें, 3 दालें अलग भिगो दें और बाकी दालें जो हैं वो अलग भिगो दें। उससे ये होगा कि ये 3 चीज़ें ज़रा देर से गलती हैं, जिसमें गंदम है और जौ है और चने की दाल है, बाकी जो दालें हैं वो फौरन ही गल जाती हैं। उसको धोकर रख लें, उसको फिर वैसे ही चढ़ा दें बगैर बॉयल किए हुए, ठीक है जी, और उससे ये होगा कि आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो मैंने चने की दाल, गंदम और जौ इसको रात को भिगो दिया, सुबह बॉयल कर लिया, इसे हम डाल रहे हैं पानी में। पानी गर्म होना चाहिए, इसके अंदर ये चला गया और इसके साथ हमने शामिल कर देना है बाकी दालें, जिसमें मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, माश की दाल है, और ये दालें जो हैं साथ में चली गई, तो ये दोनों दालें चली गई। और इसके साथ हलीम में जो लेस पैदा होता है वो एक और चीज़ है, जिससे जैसे गंदम से लेस बनता है, इस तरह से चावल होते हैं, चावलों से भी लेस बनता है, तो उसमें हमें चावल भी ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो ये बॉयल्ड चावल हमने इसमें डाल दिए, ये सारी चीज़ें चली गई और इसको करना है हमने मिक्स, और इसे छोड़ देना है पकने के लिए। और साइड में हम शुरू कर रहे हैं कोरमा। कोरमे में क्या क्या चीज़ों का एहतियात करना है और किस तरह से बनाना है। चिकन का कोरमा अलग तरीके से बनता है थोड़ा, और जो हम बनाते हैं बीफ का कोरमा उसे अलग से बना, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं, साबरा फ्रॉम क्वेटा। अस्सलाम वालेकुम साबरा। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह साबरा जी जी। हेलो भाई, अभी आप वो बता रहे थे दवाई शुगर वाली, जी जी, वो जरा दोबारा रिपीट कर दें। 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है, अच्छा, और 1/2 लीमू, ठीक है, और 2 खाने के चम्मच गरम पानी, टीवी बंद कर दें, टीवी। हेलो जी जी, तो दोबारा बता देता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। और यहाँ हम कोरमे के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, और कोरमे के लिए सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया, और इसके बाद इसमें चली गई प्याज, और प्याज को जो है हमने ब्राउन करना है हमेशा की तरह,
प्याज हमने दो बड़ी ली हैं और इसे एक चुटकी नमक के साथ और इसे हमने मिक्स किया और ये अच्छी सी गोल्डन सी ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हमेशा याद रखिएगा जो कोरमा होता है इसका हलीम का, इसमें दही टमाटर शमाटर कुछ भी नहीं डलता, इसमें हरी मिर्चें डलती हैं और हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़ेदार आता है जो हलीम के अंदर। ठीक है, और इसमें हम चीनी भी ऐड करते हैं जिसकी वजह से गोश्त जो है ना वो जब पकने के दरमियान में आ जाए तो उसको गलने में आसानी होती है, उसके रेशे अलग जो होते हैं ना उसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से रेशे उसके अलग हो जाते हैं। आप अगर सोच रहे हैं मीठा हो जाएगा तो मीठा नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें चीनी डली हुई है। ठीक है, 1-8 टेबल स्पून चीनी जो है इसमें शामिल ज़रूर करें, उससे जो है आपकी हलीम का गोश्त बहुत अच्छी तरह से रेशा रेशा हो जाएगा जो हलीम के अंदर मिक्स करने में आसानी होगी। ठीक है जी, अभी क्वेटा से पूछ रही थी तो उसके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच गर्म पानी और आधा नींबू, इसे आपने निचोड़कर सुबह नहार मुँह आप ले लेने हैं। उसके बाद आधे घंटे तक जो है इसमें पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है या खाना वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। आधे घंटे के बाद जो भी आपने खाना चाहना है वो आप खा लें। शुगर वालों के लिए इसके साथ जो हार्ट की डिजीज़ वाले हैं जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल वाले जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उनके लिए, और इसके साथ साथ पित्ते में जो पथरी हो जाती है उसके लिए बेस्ट चीज़ है। इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, बिस्मिल्लाह करके इस्तेमाल करें, और जैसे कि मैंने कहा है कि कुरान में भी इसका जिक्र है जैतून का, तो आप हमेशा जब भी कोई ऐसी चीज़ सुन्नत वाली चीज़ इस्तेमाल करें अपने जहन में उस बात को ज़रूर रखें कि अल्लाह ताला की तरफ से शिफा है या इसे सुन्नत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बहुत सारी जैसे कि जैतून है, शहद है, इस टाइप की चीज़ें जब भी इस्तेमाल करें अगर ये सोच के करेंगे तो नेकी का नेकी भी है, सवाब का सवाब भी है और दवाई की दवाई भी है। जी हमारे पास कॉलर हैं नूर कोयटा से। सलाम अलैकुम नूर। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी आप ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नूर जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप खुद भी बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नूर। बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ और सारी रेसिपीज भी ट्राई करती हूँ। जी नूर, मौसम कैसा है वैसे कोयटा का भी आजकल? बहुत बेहतर है, चाहे ना सर्दी है ना गर्मी है, दरमियानी मौसम है। ठीक है जी 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 नूर क्या कहना चाहेंगे? और बस अल्लाह आपको जिंदगी दे, इसी तरह हमें सिखाती रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी, कोई फरमाइश करेंगे? मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। ठीक है, शुक्र है पहली बार मेरी कॉल लगी है। अच्छा, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में? कोयटा से तो वैसे भी बहुत कम लोग कॉल करते हैं। आज इत्तफाक की बात है, 3 कॉलें हैं, आपकी 3री कॉल है कोयटा से। जी हम तो कोशिश करते हैं कि कॉल कर ले, लेकिन नंबर भी बिल्कुल लगता ही नहीं है। सही बात है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको नहीं, हम मेरी मैंने सबसे पुरानी जो कॉलर है ना एनी, वो अगर सुन रही है तो वो भी कोयटा से हैं, बहुत पुरानी कॉलर है मेरे साथ, अक्सर उन्होंने बहुत सारी रेसिपीज सीखी है माशाल्लाह, वो कॉल करती रहती हैं। आप लोग भी कॉल करते रहें, कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर शेयर करें। ठीक है जी, जरूर इंशाल्लाह। और ये वजन कम करने के लिए अगर कुछ बता दे। ठीक है बिल्कुल, क्योंकि एप्पल विनेगर का मैंने वो सुना है, पता कर लूं कि क्या वो बेहतर है या नहीं। ठीक है, आपकी एज क्या है? 26। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हार्ट का या कोई ब्लड प्रेशर का या शुगर का? नहीं नहीं शुक्र है बेहतर है, कोई चीज नहीं है। तो अभी मैं एक आपको बहुत ही आसान सी चीज बताऊंगा, घर के अंदर आपके पास होगी मौजूद, उसका पाउडर बना लें और उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहद फायदेमंद होगा। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, इसके साथ मसाले बहुत सिंपल से हैं, हल्दी है मेरे पास, गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, और इसके साथ जायफल जावित्री का पाउडर है, और इसके अदरक और लहसुन है मेरे पास, और इसके साथ जो है नमक है और केवड़ा एसेंस है और चीनी है हमारे पास। ये सारी चीज़ें मिक्स होकर, और हरी मिर्चें मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो छोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं, वो उसकी खुशबू जो है आपके हलीम में बहुत ही अच्छी आती है, और इसे हम कोरमे के साथ ही बनाएंगे। ठीक है जी, और अभी प्याज जब ब्राउन हो जाएगी वापस आने के बाद आपके सामने कोरमा तैयार करेंगे। और टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन हलीम अज्जा, चिकन बगैर हड्डी के 1 किलो, चावल 50 ग्राम, मूंग की दाल 50 ग्राम, मसूर की दाल 50 ग्राम, माश की दाल 50 ग्राम, चने की दाल 50 ग्राम, गेहूँ 150 ग्राम, जौ 50 ग्राम, प्याज 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे,
गरम मसाला पाउडर एक खाने का चम्मच, धनिया पाउडर एक खाने का चम्मच, चीनी दो खाने के चम्मचे, सफेद जीरा पाउडर भुना हुआ एक चाय का चम्मच, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, केवड़ा एसेंस हस्बे जरूरत, लीमू हस्बे जरूरत, अदरक बारीक कटी हुई हस्बे जरूरत, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, तेल 1 कप, नमक हस्बे जायका, प्याज ब्राउन और चाट मसाला सजावट के लिए। तरकीब, तमाम दालों को रात भर भिगो लें, गंदम जौ और चने की दाल को बॉईल कर लें, चिकन के छोटे पीस कर लें। कोरमा बनाने का तरीका, एक पतीली में ऑयल डालें, फिर इसमें प्याज डालें और हल्का ब्राउन कर लें। अब इसमें चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसमें गरम मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, जायफल जावित्री पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, साबुत हरी मिर्चें शामिल करें। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करें और भून लें। कोरमा तैयार है। दालों को तैयार करने का तरीका, एक पतीली में पानी डालें और इसमें तमाम दालें और चावल को डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। ढक्कन ढांककर गलने तक पकाएं। मिक्सिंग का तरीका, एक चॉपर में दालों का मिक्सचर और कोरमा डालें और चॉप कर लें। फिर इसे एक बड़ी पतीली में डाल दें और पानी शामिल करें और चमचा चलाते रहें। अब एक सर्विंग बोल में हलीम निकाल लें, ब्राउन किया हुआ प्याज, अदरक बारीक कटी हुई, हरा धनिया, पुदीना, चाट मसाला, लीमू से सजावट करें और पेश करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है हमारे पास प्याज ब्राउन हो गई, इसे हमने चूल्हे से हटा दिया। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करनी है, मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ कि इतनी आपने ब्राउन करनी है, ठीक है, गोल्डन ब्राउन जिसको कहते हैं। और उसके बाद आपने फौरन ही इसमें चिकन के छोटे छोटे पीस करके डालें ताकि जल्दी गल जाए, ठीक है। और इसके फौरन बाद आपने इसमें दो चीजें और ऐड कर देनी है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और साथ में ये आ गया लहसुन। ये दो चीजें ऐड कर दी हमने, अदरक और लहसुन का पेस्ट, प्याज ब्राउन, और इसके बाद चिकन, ठीक है जी। अब सारा मेन जो काम ये है कि इसके अंदर जो इसकी महक है उसको दूर करने के लिए ब्राउन प्याज के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद फिर हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं और फिर ये कोरमा हमारा हो जाएगा तैयार, और इसे हम शामिल कर देंगे दालों में, ठीक है। उसके बाद इसको पकने देंगे दालों के साथ, और आखिर में हमने गोटा लगाना है। आज मैं आपको गोटे का भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है। मशीन मेरे पास मौजूद है आज, और हाथ से कर सकते हैं या मशीन से कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर है सदफ फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम सदफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, आपका शो बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है मेरी। बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में जी। अभी आपने पित्त की पथरी का बताया था जी, जैतून के तेल में, ये फैटी लिवर वाले पी सकते हैं? हाँ, फैटी लिवर वाले भी ले सकते हैं, बिल्कुल। और कितने अर्से तक पीना है ये? तकरीबन 40 दिन का कोर्स होता है उसके लिए, अपना जो पित्त की पथरी के लिए। और वैसे तो आप उसको रेगुलर भी इस्तेमाल करें तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अरब जो होते हैं ना बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन रोजाना ये इस्तेमाल करते हैं नहार मुंह जैतून का तेल, वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। बार बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा, दो किस्म के ऑलिव ऑयल मार्केट में मिलते हैं, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है और एक नॉर्मल कुकिंग ऑलिव ऑयल होता है, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा वाला लेना है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट व्हाइट बॉटल में होता है, ट्रांसपेरेंट ग्रीन वाले की बॉटल। मुख्तलिफ कंपनियां बना रही हैं, और हाँ ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर ही होता है, और मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो इसको सेल हो रही है मार्केट के अंदर। अच्छा, नेल फंगस का भी पूछना था मुझे जी। नेल फंगस भी है मदर को? अच्छा, फंगस जी, नेल फंगस का जी जी जी। और इसके लिए आप वो होता है ना अपना क्या नाम है, तुलसी का पत्ता, मैंने उस दिन दिखाया था। अच्छा, देखा था आपने प्रोग्राम? नहीं, वो नहीं देखा। तुलसी के पत्ते का पेस्ट बनाकर वो लगाएं, इंशाल्लाह मामला खत्म। वो भी 40 डेज तक? हाँ 40 डेज तक इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत मजे के खाने बनाते हैं आप, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन। तो यहाँ हमने सारी चीजें डाल दी। अच्छा, ये मशीन मेरे पास मौजूद है जो मैं उस दिन भी दिखाना चाह रहा था जिस दिन हमने खिचड़ा बनाया था, ठीक है। और ये जो है ये इस तरह चलता है ये मशीन, और ये सबसे आसान इस वक्त गोटा लगाने के लिए ना इस तरह का होता है, ये हैंड ब्लेंडर कहलाता है। और इसको हाथ से भी वैसे गोटा लगा सकते हैं, लेकिन ये मशीन बहुत आसानी से आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैश कर देगी पूरे हलीम को, ठीक है। ये आजकल मार्केट में बहुत आसानी से बहुत सस्ते में मिल जाती है, और ये अच्छे कंपनीज का भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनी से ये आपको आसानी से मिल जाएगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जो है अपने खानों को दाल में गोटा लगाना हो या किसी और चीज़ जैसे हरीसा बना रहे हैं उसके लिए भी, हर चीज़ के लिए बेस्ट मशीन है, इसको इस्तेमाल करें तो इससे जो है बहुत फायदा
फायदा होगा, ठीक है। और इसके साथ थोड़ा सा हमने जैसे गोश्त का कलर चेंज हो गया, इसमें सबसे पहले मैंने डाल देना है हरी मिर्चें, ठीक है, ताकि हरी मिर्चें इसमें सॉफ्ट हो जाएं। और छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं 8 से 10 अदद। और इसके साथ मैंने इसमें मसाले शामिल करने हैं। मसाले गौर से देख लें, इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से जो है ना कलर बहुत अच्छा आता है। चीनी हमने शाल डाल दी इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच, जो गोश्त को जल्दी गला देगी, ठीक है। इसमें हमने गरम मसाला शामिल कर दिया, लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया, इसमें धनिया पाउडर हमने डाल दिया, इसमें हमने ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया, और इसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर हमने शामिल कर दिया 1/2 चाय का चम्मच। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया नमक, ठीक है जी, नमक आ गया। और ये है केवड़ा एसेंस जो हमने आखिर में शामिल करना है इसमें, ठीक है जी। ये मसाले सारे आ गए, और उसके बाद आपने इसके साथ इसको अच्छी तरह से भून कर, और गोश्त जब बिल्कुल फाइनल गल जाए उसके बाद आपने, अच्छा चिकन का जो है ये मसला ये है कि ये गलने में इतना टाइम नहीं लगाता, और